आप मेरे से खुश है ना? मैंने आपको कभी कोई तकलीफ तो नहीं ना दी? आप जब कहती हो रात को दिन को जब आप कहते हो मैं आपका ख्याल रखता हूँ। नहीं ये मैं आपका हक है। कैसे किया है ये आज से 12 साल पहले की बात है जिस वक्त ये हुआ है ये फालिश का अटैक हुआ है इनको और ऑलमोस्ट बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी ये 3 माह कोमे में रही हैं और मेरे आसार नजर नहीं आ रहे थे बिल्कुल ये बेहोश थी और जो हार्ट की लाइन थी ना वो डेड थी और डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल में मैं लेके गया हूँ एमरजेंसी में तो उधर डॉक्टर ने यही कहा था खलील साहब आप दुआ करें। मुझे याद है कि मैं उधर ही एमरजेंसी के बाहर ही ना उधर ही सजदे में गिर गया अल्लाह से दुआ मांगता हूँ रोया हूँ गिड़गिड़ा के मालिक मेरे तो मेरी 4 बेटियाँ और 1 बेटा था तो या अल्लाह अभी भी हैं अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे तंदुरुस्ती दे तो ये मेरा मुझे तो कभी समझ ही नहीं आती थी मैं तो सुबह घर से कैमरा गले में डाला और बाहर निकल के शाम को घर 10 बजे आए पीछे से सारे मामला जिसने देख ले तो मैं गिड़गिड़ा के रो रहा था तो इतने में ना मेरे दोस्त का फोन आया सडनली जो हमारे लाइंस के मेरे प्रेजिडेंट थे राशिद मनीर साहब उन्होंने बोला यार मैं हरम शरीफ में उमरे पे आया हूँ इधर हरम शरीफ के अंदर खड़ा हूँ मेरा ना ख्याल आपकी तरफ गया है तो खैरियत है मैंने कहा नहीं यार दुआ करो इस तरह मेरी बीवी को ना अटैक हुआ है उसने आप यकीन करो दाहर भाई ये पता नहीं अल्लाह ताला ने उस वक्त अल्लाह उसको मैं भूलता नहीं हूँ वो लम्हे को उसने दुआएं मांगी होंगी उधर से डॉक्टर साहब ने आके मेरे कांधे पे हाथ रखा और बोला खलील साहब मुबारक हो उनका सांस बहाल हो गया अभी आंखें नहीं खोली बात नहीं कर रही लेकिन जो ना उनकी वो जो रीडिंग आ रही थी ना हार्ट की वो बेहतर हो रही है इम्प्रूव हो रही है तो अल्लाह का शुक्र है भाई कि वो वक्त अल्लाह ताला ने मेरे मुझे आजमाइश में डाला मैं उसमें सुरखरू हूँ आज 12 साल हो गए हैं उसी वक्त फिर मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैंने बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना क्योंकि बच्चे बच्चियां पढ़ रही थी तो माशाल्लाह मैंने फिर बड़ी बेटी की शादी की उससे छोटी की वो बैंक में मैनेजर ऑपरेशन थी और उससे छोटी थी वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में हेड थी वो इस वक्त माशाल्लाह दुबई में है उससे छोटी थी बेटा है तो माशाल्लाह सब बच्चों के किसी के 4 बच्चे हैं किसी के 2 बच्चे हैं किसी के 3 हैं तो सारे बच्चे जो है ना साहिब औलाद हैं मैंने कुकिंग सीखी उनको कभी मैंने मुझे पता था कि इन्होंने बच्चियों ने तो पराया माल है इन्होंने तो चले जाना है तो मैंने खुद ही केयर कर ली मैंने इसको भी संभालना उस वक्त बच्चे मेरे हेल्प करते थे लेकिन अभी लास्ट तकरीबन 3 ईयर्स से मैं अकेला ही मैनेज कर रहा हूँ और मीडिया का काम तो इतना नहीं हो रहा लेकिन ये जो प्राइवेट तौर पे मैंने अदारों के साथ मेरी एफिलिएशन है उनका मैं काम करता हूँ लाइनिज्म का काम करता हूँ तो असल तो हिम्मत इसकी है जो मुझे ये कहती है कि आप बेफिक्र होके जाएं अपना काम करें और ये उस दौरान अल्लाह को याद करती रहती है और मैं लॉक लगा के जाता हूँ चला तो जाता हूँ काम करता हूँ लेकिन जो दिल है ना वो इधर ही होता है कि यार इसने पानी पीना होगा उठ नहीं सकती क्या करेगी और वैसे भी आप देखें कि अकेला बंदा हो इतने बड़े घर में और वो बीमार हो भूख नहीं कर सकता तो इसलिए मैंने अपने घर की बैल भी बंद करवा दी ताकि कोई बैल भी ना दे और इसको महसूस ना हो बाहर कोई आया
वापस आके फिर सारा इसका खाना पकाना, इसको चेंज करना, नहलाना, कपड़े बदलने, अब आदत ही हो गई है। समझ ही अब आई और मेरी जिंदगी में तब्दीली लाने में इसका बड़ा रोल है, और ये बड़ी सबर और हौसले वाली है। आप यकीन करो कि मैं जब बाहर जाता हूं ना, मुझे महसूस होता है कि मेरे पीछे पहले मेरी माँ दुआ मांगा करती थी और वो टेरेस के बाहर खड़े होके मेरे फूके मारती थी कि ये मेरा बेटा काम करने जा रहा है, खतरनाक काम करता है, और अब ये दुआएं देती हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो जिंदगी का साथी है, और यकीन करें कि मैं अपने आप को कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसा काम करूंगा, कि वो इंटायरली ऐसी जिंदगी, एक फोटो जर्नलिस्ट की आपको अंदाजा ही है कितनी टफ लाइफ होती है। और ये जो है, और ये सिर्फ अल्लाह ताला ने ना मुझे सुरखरू किया है, और मैं कहता हूँ कि या अल्लाह तू कबूल कर लेना मेरी इस मेहनत को, और ये खुश है। आप खुश हो ना, कितना खुश हो आप, मेरे लिए दुआ मांगते हो, मैंने कभी आपको कोई तकलीफ तो नहीं दी, आप मेरी सिफारिश करोगे अल्लाह से, आप करते हो, आपकी बहुत मेहरबानी, आप बहुत अच्छे हो। मेरे से खुश है ना, मैंने आपको कभी कोई तकलीफ तो नहीं ना दी, आप जब कहती हो रात को दिन को जब आप कहते हो मैं आपका ख्याल रखता हूँ, नहीं मैं आपका हक।